बिहार में बुखार नहीं हाहाकार है। अब तक 63 बच्चों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर आने के बावजूद भी जो है किसी बच्चा की हालत अभी भी गंभीर है। बिहार में बच्चों की जान खतरे में है। बच्चों को क्यों आ रहा है जानलेवा बुखार? क्या लीची खाने से मर रहे हैं मासूम बच्चे? मासूमों की मौत पर बिहार में हल्ला बोल। खेलते खेलते मैं अपने देह हाथ टाइट कर गिर गया, दूसरे देह हाथ एकदम टाइट टूट करता है लगातार। सोचते कली से जिंदगी मौत बन रही है और कोई संभालने वाला नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मौत हर आंगन में खड़ी है। मासूमों पर धावा बोल रही है, खेलते खाते मासूमों को सीधा अस्पताल पहुंचा रही है। अस्पतालों में बच्चे तड़प रहे हैं और बुखार में तप तप कर दम तोड़ रहे हैं। इस वक्त हम श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल के PICU वार्ड यानी कि पेडियाट्रिक्स ICU में मौजूद है, जहां पर उन बच्चों का इलाज चल रहा है जो काफ़ी क्रिटिकल है और जो एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम की बीमारी से ग्रस्त हैं और जिन्हें यहाँ पे लाया गया है उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। लेकिन फिलहाल ICU में जो ये तमाम बच्चे जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये लोग काफ़ी क्रिटिकल हैं और इनका लगातार जो है इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। जब से जून शुरू हुआ है या कहें बिहार में जब से लीची का सीजन शुरू हुआ है, तब से मासूमों की और जान आफत में आ गई है। पहले बच्चे को बुखार आता है, फिर तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है और इसी में बच्चे की जान चली जाती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर बिहार में बुखार जानलेवा क्यों हो रहा है, क्या मासूम बच्चों की मौत के पीछे लीची है और सरकार क्यों बच्चों की मौत के बढ़ते आंकड़ों पर खामोश है। नीतीश कुमार मासूमों की मौत पर मौन क्यों है? अब मासूमों की मौत पर बिहार उबलने लगा है, सियासत सरकार के दरवाजे तक पहुंच गई है। जी हाँ, पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के घर पर विरोध प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ की, हंगामा किया। 100 से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुका है मुजफ्फरपुर में। माननीय सांसद पप्पू यादव जब कल मुजफ्फरपुर पहुंचे, तब यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी का आंख खुला है और निरीक्षण पे गए हैं। मुजफ्फरपुर में दम तोड़ते बच्चों पर पटना में बवाल बढ़ा तो स्वास्थ्य मंत्री को तब जाकर होश आया कि अस्पताल का दौरा करना है और श्री कृष्ण मेडिकल पहुंचे। 20 दिन बाद स्वास्थ्य मंत्री को होश आया तो बता रहे हैं कि आज से 6 अतिरिक्त एम्बुलेंस लगाई गई है, 100 बेड के नए वार्ड की शुरुआत होगी, जागरूकता फैलाने के लिए उपाय किए जाएंगे। लेकिन मंत्री जी ये तो बताइए, अब तक 63 बच्चे दम तोड़ चुके हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? कुल 47 मृत्यु SKMCH के अंदर हुई है और 10 मृत्यु जो केजरीवाल हॉस्पिटल है, 10 मृत्यु केजरीवाल हॉस्पिटल के अंदर हुई है। तो विगत 20 दिनों में, लगभग 20-22 दिनों में यह जो बीमारी हुई और उस बीमारी के तहत जो बच्चे मरे हैं उनकी संख्या ये है। हम सब लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंत्री जी अस्पताल तो पहुंच गए लेकिन यहाँ भी उन्हें VIP ट्रीटमेंट दिया गया। जी हाँ, मंत्री जी के काफिले के लिए एम्बुलेंस को भी रोक दिया गया। 57 मासूमों की मौत के बाद आखिरकार सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की नींद आज खुली और वो मुजफ्फरपुर गए, जहां पर जाकर उन्होंने बीमार बच्चों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तत्परता अगर उन्होंने पहले ही दिखाई होती तो शायद कुछ मासूमों की जिंदगी बचाई भी जा सकती थी। बिहार में चल रहे इस बुखार को एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी चमकी बुखार भी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सिंड्रोम क्या है, क्या इसका संबंध लीची से भी है? हम इसकी भी पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का इलाज कर रहे डॉक्टर इसके पीछे कौन सी वजह बता रहे हैं। एक तो इस मौसम का यह रहता है कहर, जिस मौसम में गर्मी और ह्यूमिडिटी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। गर्मी और ह्यूमिडिटी हो जाती है जिसके चलते, और बच्चे घर में रहते नहीं हैं, गांव के बच्चे बराबर इधर उधर घूमते ही रहेंगे, खेलते रहते हैं। फिलहाल मुजफ्फरपुर में मरते बच्चों पर राजनीति शुरू हो गई है। जिन्होंने अपने नौनिहालों को खोया है
वो गम में डूबे हैं। लोगों में गुस्सा फूट रहा है, लेकिन अभी तक मासूमों की मौत के बढ़ते आंकड़ों को कैसे रोका जाए, इसका हल नहीं निकल पाया है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना।